अगली बड़ी जानकारी है, चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है। फरीदाबाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष उदय बान भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी है, चुनावी तैयारियां लगातार जारी है कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में, और इसी को लेकर फरीदाबाद में कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन होगा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, इनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी है, साल 2024 सभी पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, लेकिन लोकसभा के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है वो विधानसभा चुनाव है, और उसको लेकर अब आपको बताते चले कि कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मुकेश राजपूत संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, चुनावी तैयारियों में अब कांग्रेस भी जुट चुकी है और आज कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा, उसमें क्या कुछ मंथन कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, विस्तार से जानकारी। देखिए किरण, बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक पार्टी जो है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आती जा रही है, क्योंकि अब जो है वो लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद जो है वो विधानसभा चुनाव है, और दोनों ही चुनाव जो है वो 2024 में होने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सभी पार्टियों को जो है वो पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो कैसे पीछे रह सकती है। आज इसी के मद्देनजर जो है वो फरीदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो आयोजन हो रहा है, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा रहेंगे, पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा रहेंगे, और इसके अलावा फरीदाबाद के तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो मौजूद रहने वाले हैं। और इस बीच जो है वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जो है वो मूल मंत्र दिया जाएगा, जिसका मूल मंत्र किस तरीके से जो है वो चुनाव में जो है अपने आप को एक्टिव रखना है, लोगों तक किस तरीके से कांग्रेस की तमाम जो बातें हैं वो पहुंचानी है, तो वो तमाम चीजें जो है वो होने वाली हैं। और आज करीब 12 बजे जो है ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो होगा, और हुड्डा जो पूर्व सीएम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 12 बजे जो है कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और कहीं ना कहीं जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है वार्तालाप करेंगे। देखिए, आपने कार्यक्रम को लेकर तो विस्तार से जानकारी दे दी है, लेकिन अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस की जिस तरीके से 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा था, तो अब कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अहम ये मुद्दा है, क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई है और उसके बाद जो जो कमियां रही है उन कमियों पर जो है वो विशेष तौर पर ध्यान देना है, और कांग्रेस को लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर जो है वो कांग्रेस की एक अच्छी छवि जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चली तो उसमें हमने देखा कि कांग्रेस जब राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे तो तमाम लोगों ने जो है उनका स्वागत किया था, तो फरीदाबाद के अंदर हरियाणा के अंदर जो है उस यात्रा का भव्य स्वागत जो है वो जगह जगह वो हुआ था, तो इससे उम्मीद उन्हें कहीं ना कहीं ये जगती है कि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो है वो कांग्रेस वापसी कर सकती है, और इसी को लेकर जो है वो हरियाणा में पुरजोर जो है वो कोशिश जो है कांग्रेस तरफ से की जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, जो कमियां उन 3 राज्यों में कहीं ना कहीं रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी है इस पार्टी के अंदर वो कमी है जो है वो आपसी फूट की, और ऐसे में उस आपसी फूट को खत्म किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज के कार्यकर्ता सम्मेलन में हालांकि चाहे भले ही फरीदाबाद के अंदर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में 2 गुट जरूर बने हुए हों, परंतु आज वो तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो एक मंच पर नजर आएंगे, तो आपसी फूट को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश भूपेंद्र हुड्डा करेंगे, ताकि जो है 2024 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उनमें कहीं ना कहीं जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो जो फरीदाबाद में जो 6 सीटें हैं उन पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवारों को जिता सके, तो इस तरीके की चीजों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं वार्तालाप जो है कार्यकर्ताओं के साथ की जाएगी। जी, तो चुनावी तैयारियों में कांग्रेस जुट चुकी है और आज फरीदाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर आज कार्यकर्ताओं को मंथन कांग्रेस की तरफ से दिया जाएगा, और आपको बताती चलूं कि इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा सांसद है, और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहने वाले हैं। मुकेश राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। बढ़ते